फ्रेंड्स, मैं एक तरफ मच्छी भाजा कर रही हूँ और हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 5:30 या 6:45 हो रहा होगा। मैं जग गई हूँ और आज मैं अपना ब्लॉग का शुरुआत इन फूलों के साथ कर रही हूँ। देखिए फूल, मेरे प्यारे प्यारे फूल, बहुत सारे फूल अभी हैं। देखिए अच्छा लगता है मुझे बालकनी में आना, सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे बालकनी में आके ये सब देखना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये देखिए ये वाला ये कितने अच्छे हो रहे हैं, ये वाले तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। और मैं बैक कैमरा से दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरे फ्लावर सब, ये ऊपर पाइप में लगा हुआ है और ऊपर से पूरा नीचे झुक गया है और नीचे जो रेलिंग होता है ना वहाँ पूरा टच कर गया है। तो एक तो झाड़ होता है ना, झाड़ के जैसा ये बन गया, एकदम छोटा छोटा ये प्लांट था। 15 टका में लेके आते एक प्लांट, और ये देखिए अभी कितना बड़ा हो गया है। और इसको क्या बोलते हैं, स्पाइडर प्लांट, ये भी बहुत सारा निकल गया है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब प्लांट मुझे मॉर्निंग में आके देखना। और बड़ी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं हस्बैंड जी इसके ऊपर। अब जा रही हूँ मैं किचन में, और भी पूरा अंधेरा है और मैं ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बातें नहीं कर रही हूँ स्टार्टिंग वीडियो में, क्योंकि अभी सभी कोई सोए हुए हैं। सभी कोई अगर मैं ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बातें करूँगी तो सभी जग जाएंगे। और ये देखिए मेरा किचन पूरा साफ़ सुथरा है, रात में मैं दूध बॉयल करके छोड़ दी थी गैस पर। पूजा का बर्तन धोना है और एक चाय का बर्तन धोना है, क्योंकि रात में मैं चले गई थी पार्टी में, बर्तन वहाँ धुला हुआ है, वही मैं दिखा रही हूँ। और फ्रेंड्स आज मुझे हाथों से पोछा मारने की इच्छा नहीं हुई कि क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था और रात में हम लोग आए थे थोड़ा लेट से पार्टी से, तो थकान भी हो रही थी। तो पोछा तो मारना है, घर को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं तो डेली पोछा मारती हूँ, कभी कभी एक दिन में 2-2 बार हो जाता है रात के टाइम में। मैं सोची थोड़ा सा मस्ती कर लूँ पर हो नहीं पाया, तो बस मैं पोछा मार लेती हूँ। झाड़ू हो चुका है और हस्बैंड जी भी छत पे नहीं गए हैं, इसलिए वहाँ पे 2 बाल्टी रखा हुआ, क्योंकि ये 2 बाल्टी छत पे लेके जाते हैं तुलसी स्नान धोने के लिए और पंछियों को पानी देने के लिए। फ्रेंड्स सुबह का सारा काम हो गया है और टाइम हो रहा है अभी 6:30 बज रहा है। बस ये सब 2-4 बोतल है, तो 2-4 बोतल को भर देना है। और पूजा का बर्तन बाकी है तो पूजा का बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। और नाश्ता में मैं आज नमक मतलब चाय पराठा ही मेरा होने वाला है, सब्जी नहीं करने वाले, क्योंकि रात में हम लोग गए थे एक पार्टी में, पेट अभी भी पूरा लोड है, पचा नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का नाश्ता बनाएंगे। सिर्फ चाय पराठे ही हम लोगों का हो जाएगा। अभी नीचे का गेट नहीं खोले थे, जा रहे पहले नीचे का गेट खोल देते हैं, उसके बाद आके नाश्ता। फ्रेंड्स उसके बाद मैं मॉर्निंग का कुछ भी नहीं दिखाई हूँ, डायरेक्ट दोपहर में मैं मिल रही हूँ खाना बनाने के टाइम। और आज मैं जल्दी जल्दी पूजा पाठ करके 10 बजे से ही लग गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज आ रही है मेरी ननद और जीजा जी आ रहे हैं और उनके भी भैया जी आ रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और खाना मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ मूँग दाल, मच्छी का माथा, देखिए बहुत अच्छा लगता है ये, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ही बनता है। तो मैं ऐसा कभी कोई गेस्ट आते हैं या कभी अपने से कुछ खाने की इच्छा होती है तो मैं ये वाला दाल बनाती हूँ, और ये दाल सभी को पसंद है। बेटा आया कैमरा देख के चला गया, उसको कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है। और मैं दूसरे साइड में मच्छी भी भाज ले रही हूँ, और उसका ये जब मच्छी भाज रही थी तो उसका तेल उड़ रहा था, तो मुझे बहुत डर लगता है तेल जब उड़ता है कि कहीं स्किन पर ना पड़ जाए। मैं हाथों से भी नहीं डालती हूँ, इसके लिए मैं एक चिमटा रखी हूँ, चिमटे से ही मैं वहाँ से उठाती हूँ और मच्छी को डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो आज मैं कर रही हूँ माछेर कालिया और माथा देगी दाल, मूंग दाल, और क्या हो रहा है इमली का चटनी मैं बनाई थी कुछ दिनों पहले, तो इमली का चटनी भी है। और हम लोगों का खाने में दही तो होता ही है, तो आज का रेसिपी यही है। और मैं जब भी मूंग दाल बनाती हूँ माथा देकर, तो पहले मैं मूंग दाल को ऐसे ही भून लेती हूँ, हल्का सा
उसे सेक लेती हूँ ताकि इसमें तो कुछ कच्चापन ना रहे, और जब इसे भूनते हैं तो इससे बहुत अच्छी अच्छी गंध भी आती है। तो मैं जब भी चाहे खिचड़ी बनाऊँ चाहे दाल बनाऊँ तो मैं ऐसे ही भून कर बनाती हूँ। भूनने के बाद धो लेती हूँ, उसके बाद इसमें हल्दी नमक हरा मिर्च दे के बैठा देती हूँ, उसके बाद ही इसमें मैं तड़का देना हुआ तो तड़का दे देती हूँ। और इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, रेसिपी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरी बंगाली रेसिपी का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये है फ्रेंड्स आज का खाना, और ये आज का दिन है, फ्राइडे का दिन है, ये फ्राइडे का ब्लॉग है। दाल भात मछली कालिया दही है, साथ में इमली का चटनी है। तो आज का सिंपल सा खाना बस यही है हम लोगों का। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात हो गया है, टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। ये देखिए मेरी दीदी आई हुई है, दीदी अपने मायके आई हुई है भाई से मिलने के लिए, और जीजा जी से भाभी से नहीं मिलने भाभी से भी मिलने आई है इनका भी खुद का एक चैनल है, कुकिंग चैनल, इनका चैनल का नाम है कुक विद संध्या एंड भोलानाथ शर्मा, कुकिंग विद। तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, इनका चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, दीदी का भी चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए। और इनके इनके चैनल पे आपको सारे के सारे बंगाली रेसिपी मिल जाएंगे, बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी, बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी बनाती है दीदी। और यहाँ पे ज़्यादा दिन के लिए नहीं आती है, आती है 2-3 दिन में भागना करने लगती है, लेकिन आती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आज आई है दोपहर के टाइम में आई है, मैं तो अभी दीदी को कुछ खिला भी नहीं पाई, अच्छा से रहेगी तब खिला के खिलाएंगे पिलाएंगे। और मेरा बिस्तर देखिए भी पूरा गंदा है, रूम वगैरह पूरा गंदा है, पहले खाना बना लूँ उसके बाद जा रही हूँ काम करने के लिए। और यहीं दीदी के पास बैठ के ही मैं आलू भाजा काटने वाली हूँ। दीदी यहाँ पे बैठी हुई है, कुछ अपना काम कर रही है, देखिए फोन है वहाँ पे, कुछ अपना काम कर रही है वाईटी का, मैं अपना काम कर लेती हूँ किचन का, ठीक है। फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट डे का है, मेरी बेटी का बर्थडे है 16 मार्च को, तो मैं मंदिर पूजा देने गई थी। और ये पार्टी का कुछ पिक्स है, और मेरी लाडो रानी का ये पिक्स है।